नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CBT News पर। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज कैमरन बेनिक्रॉफ्ट केपटाउन टेस्ट के तीसरे दिन मैदान पर कुछ ऐसा कर गए जिसके लिए उन्हें सजा दी जा सकती है। दरअसल कैमरन बेनिक्रॉफ्ट को गेंद के शेप को बिगाड़ने के लिए जेब से चिप जैसे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते देखा गया, जिसे उन्होंने बाद में अपनी ट्राउजर में छिपाने की कोशिश की। बेनिक्रॉफ्ट की इस हरकत के लिए ICC उनके खिलाफ बॉल टैम्परिंग का एक्शन भी ले सकती है। अंपायरों के हस्तक्षेप करने से पहले टीवी रिप्ले में देखा गया कि बेनिक्रॉफ्ट गेंद की शेप बिगाड़ने के लिए एक बाहरी वस्तु का प्रयोग कर रहे थे। जब मैदान पर लगी स्क्रीन पर यह सब दिखा तो अंपायर निगेल लॉन्ग और रिचर्ड इलिंगवर्थ ने तुरंत उनसे बात की। बेनिक्रॉफ्ट ने सफाई देते हुए कहा कि ये उनके चश्मे का टूटा हुआ टुकड़ा है। हालांकि कैमरून पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इस नुकीली चीज से गेंद को खुरचा ताकि बॉल एक तरफ से खुरदरी हो और गेंदबाजों को स्विंग मिले। गौरतलब है कि इसी मैच में पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने गेंद को अपने पांव के नीचे दबाने की कोशिश की। हालांकि कमिंस ने अपने बयान में कहा कि ऐसा उनसे गलती से हुआ, उन्होंने जानबूझकर गेंद को नहीं दबाया। वह गेंद की तरफ नहीं देख रहे थे और सीधा अपनी गेंदबाजी एंड की तरफ जा रहे थे, इस दौरान उनसे यह गलती हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्रिकेट और IPL संबंधी ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल CBT News को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।